आपको एक बात शायद पता है नहीं पता है कि कश्मीर में कभी भी कश्मीरी मुसलमानों का राज नहीं रहा, कभी नहीं रहा सर। सबसे पहला जो कश्मीरी मुसलमान था जिसने कश्मीर पर राज करा सर, उसका नाम शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला का बाप। पहला मुस्लिम लीडर था उसका नाम शामीर था सर, वो भी बाहर का था, वो भी कश्मीरी नहीं था। उसके बाद अफगान भी आए, मुगल भी आए सर, सिख भी आए, एंड में डोगरों का राज था वहां पे। जो कश्मीर का जम्मू कश्मीर अस्वल जम्मू कश्मीर स्टेट है, जो किंगडम था, वो डोगरों का बनाया हुआ है। वो मुगलों ने नहीं बनाया, वो डोगरों ने बनाया था सर, वो तिब्बत तक खींच के ले गए थे। तो मेरा कहने की मैं आपको ये कहने की बात कर रहा हूं कि वहां पे एक चीज है, जो लोग इंडियन टेलीविजन में, ताहिर साहब आपको बड़ा सरप्राइज होगा, जो लोग हुर्रियत का नाम लेते थे इंडियन टेलीविजन पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर एम्बेरसिंग हो जाता है, वो लोग रिपब्लिक टीवी या किसी और टीवी चैनल पे आके सर हुर्रियत का नाम लेते थे, गिलानी साहब के नाम के कसीदे पढ़ते थे वो लोग। जब से 370-35 से गया है, इनमें हवा निकल गई, अब ये भारत की बात करते हैं, अब ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो भारत के खिलाफ थे, बड़े मौका परस्त लोग हैं सर, ये मुनाफिक लोग हैं, बड़े हिपोक्रेट्स हैं। इनको दो, अब इनको पता लग गया। और यही एक आखिरी चीज एक और बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग आपको, आपको एक बात पता है, 1974-75 में कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बना, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, ये फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको पता है कश्मीर में पहला चेंज क्यों आया 70s में? कश्मीर को पहला चेंज तब आया जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 1971 में पाकिस्तान दोलख हुआ। कश्मीर में ये जो रेडिकल थिंकिंग थी, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। वही चीज हुई 370-35 में, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कश्मीर को, कश्मीरियों को इन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, हम गाजी हैं, हम फलाने हैं, हम ढेमके हैं, हम घोड़े पे आएंगे तलवार लेके और तुम्हें आजाद कर देंगे और लाल किले पे सब यू नो ऑल दैट ड्रामा जो बकवास चलती है। और कुछ बेचारे कश्मीरी बेवकूफ भी बन गए, 1 or 2%, 98% तो बड़े सयाने हैं सर, अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से, लेकिन 1-2% जो बेवकूफ थे वो बेवकूफ बन गए। वो वेट करते रहे घर के बाहर चौकट में कि कोई आएगा, ना गाजी आया, ना मुजाहिद आया, ना बाजवा आया, कोई तो आया नहीं सर वहां पे। अब दे बिकेम कंफ्यूज्ड कि ये तो हर समय कहते आएंगे। तो मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों का, वो दोस्त बन गए सर पहले जो बड़े एक जमाने में एंटी इंडिया बात करते थे, अब तो उनसे जाता हूं कश्मीर में, उनके साथ चाय कॉफी चलती है, तो वो कहते हैं यार कि पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। मैंने बोला धोखा पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ को ही बेवकूफ बना। तुम अगर बेवकूफ हो 1%, कुछ अगर 100-500 हजार लोग पूरे कश्मीर वैली में, मैं उनकी बात कर रहा हूं, पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन तो बेवकूफ नहीं बनी, उनको पता था, लेकिन 100-500 हजार लोग अगर बेवकूफ बने हैं कश्मीर में, तो उसी लायक थे कि उनको बेवकूफ बनाया जाए। पाकिस्तान ने उनका फायदा उठाया, किसी को पैसे दे के, किसी को धमका के, किसी को ये बोल के कि साहब चिंता मत करो, ये बाजवा साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, ठीक है, उसके पहले अपने कियानी साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, कियानी साहब टैंक पे बैठ के तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, रहील शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए, मुशर्रफ साहब लंदन के फ्लैट में बैठे हैं, कश्मीर कोई नहीं आया सर, अभी तक कश्मीर कोई नहीं पहुंचा, इतने साल से जिहाद हो रहा है इनका, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। कश्मीर किसका? वही बेचारे कबाब बेचने वाले या फिर फल बेचने वाले के बेटे को पाकिस्तान में रेडिकलाइज करके बोला तू जाके मर, तू श्रीनगर में मर, ठीक है, तू कुपवाड़ा में मर, तू बांदीपुरा में मर, और मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। इनका क्लियर कट है सिस्टम सर पाकिस्तानियों का। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। आपने कहा कि शायद कोई हार्डली 1% होंगे जो बेवकूफ़ बन गए, मैं शायद आपकी ओपिनियन दूंगा कि बेवकूफ़ वो भी नहीं थे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में थे। जब उन्होंने देखा कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही चेंज हो गए, तो उन्होंने तो उस तरफ जाना था जहाँ पे उनके स्टेक्स अब नहीं बन सकते थे, तो वो अब भारत की सरकार के गुनगाने लगे। ये बात तो होता है, लेकिन ऑफकोर्स जो सुइसाइड बॉम्बर हैं और वो भी, उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कारोबार था कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और कोई बहुत ही रेयर कोई बेवकूफ़ होता है जो तरीक राहों में मारा जाता है, लेकिन वो जो सिचुएशन है, आपको जो ट्रू रेडिकल हैं वेस्टेड इंटरेस्ट से भी रिलेटेड और उसके बगैर भी, उन पे क्या काबू पाया जा सकेगा? या फिर ये जो नई एक छोटी सी वेव हमें नज़र आ रही है, बड़ी वेव नहीं है टेरर की, या इसका बढ़ोतरी होगी? नहीं सर, ये कंट्रोल में आ जाएंगे, जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, इनकी चाबी लगाएंगे, सब कंट्रोल में आएंगे। बात यह है कि ये जो आपने बात करी ना कि जो लोग बहुत वो हैं, वो
पहले ही उनको आउट कर दिया गया है, वो जमात इस्लामी वाले थे सर, ये मदरसे चलाते थे। सिर्फ अनंतनाग में कश्मीर में 500 मदरसे थे जब पिछली बार मैंने इसकी लिस्ट मंगवाई थी, जिसमें से कि करीब 175-200, में मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है सर, मे भी मैं गलती बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट उसमें से 40-45% जहां तक मुझे अभी ध्यान आता है वो जमात इस्लामी वाले चलाते थे सर। तो वहां पर ये सब पढ़ाते थे बच्चों को, रेडिकलाइज करते थे ये लोग। तो एनआईए ने जब रेड करी थी जमात इस्लामी वालों को ताला लगा दिया, जितने भी थे पुराने जमात इस्लामी, बहुत लोग हैं जो सर एक्स हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सैयद सलाउद्दीन का टेरर आउटफिट, मुजफ्फराबाद वाला सैयद सलाउद्दीन, जिसको ईद के दिन मारा था ना एसआई वालों ने, पिटाई करी थी नॉन परफॉर्मेंस के चक्कर में, उसको मार लगाई थी, वही है सर सैयद सलाउद्दीन, तो उसको मार पड़ी। तो खैर, कहने की बात यह है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना रेडिकल एलिमेंट जो बहुत ज्यादा है, ये जमात इस्लामी के इन्फ्लुएंस रेडिकल एलिमेंट्स थे जो यहाँ पे एक्शन करते थे। पर वही चीज आपको बता रहा हूं कि कश्मीर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब शिफ्ट हो रही है, और जो अगला सरप्राइज मिलेगा इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड, सर मैं आज आपकी शो में एक प्रोफेसी करना चाहता हूं ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर, प्लीज प्लीज, कि जो अगला जो आएगा भारत में, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आएगा सर, तो 3 स्टेट हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है सर, केरला, वेस्ट बंगाल, असम, ये 3 है सर, केरला, वेस्ट बंगाल, असम, कश्मीर से नहीं होगा सर, पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी हमने, ये आएगा इन 3 स्टेट से सर। यहाँ पे जबरदस्त किस्म का रेडिकलाइजेशन है सर, जबरदस्त किस्म का, और मैं तो जाता रहता हूँ सर, मैं घूमता हूँ असम में खास तौर से, बहुत जबरदस्त रेडिकलाइजेशन है, बहुत जबरदस्त। तो वो जो रेडिकलाइजेशन है उसके पीछे पाकिस्तान है, आपने कहा पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी, इसका मतलब है उसके पीछे पाकिस्तान तो नहीं है क्या? वो पाकिस्तान स्टेट नहीं है सर, नहीं सर, होम ग्राउंड नहीं। अच्छा, ये आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये यहाँ पे आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये जो रेडिकलाइज हुए हैं, जो केरला में रेडिकलाइज हुए हैं, ये सब जो गल्फ से आए हैं, सऊदी से आए हैं, ये वहां से रेडिकलाइज होकर आए हैं, राइट सर। तो हर अलग अलग जगह जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है अलग अलग जगह से हो रहा है। केरला से कितने लड़के भागे, लड़के लड़कियां भागे आइसिस ज्वाइन करने के लिए, आपको पता ही होगा कितने गए थे आइसिस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको पता लगा ये कश्मीर नहीं आए लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कश्मीर में तो फ्रॉड चल रहा है, कश्मीर में तो खुला झूठ चल रहा है, तो गए नहीं, कोई नहीं गया हिंदुस्तान से, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान गए नहीं कश्मीर लड़ने के लिए, पर कुछ लोग पहुंच गए इस्लामिक स्टेट, वहां से रेडिकलाइज होकर सर वापस आए लोग। तो आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान ही कर रहा है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत फंडिंग कर रहा होगा फायदा उठाने के लिए, लेकिन एक लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है रेडिकलाइज करने की वो चल रही है, और वहां पे बांग्लादेश के थ्रू भी चल रही है सर, ये पाकिस्तान के थ्रू भी चल रही है, ये बाहर का पैसा आ रहा है उससे भी चल रही है, हर जगह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, दिस इज एट अलार्मिंग लेवल्स। जो कहते हैं ना कि इल्म से सब ठीक हो जाता है, और अगर किसी आदमी जो जाहिल नहीं रहा, अगर उसको इल्म मिल गया, पढ़ लिख गया, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और अल जवाहिरी था वो डॉक्टर था, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो इंजीनियर हो तो वो टेररिस्ट नहीं।